नमस्कार, इंस्पायरिंग बरकत चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे एक जिन की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। पंडित धनराज कारौली के जाने माने जमींदार थे। कारौली रियासत से 3 गांवों की जमींदारी उनके नाम थी। स्वतंत्रता के बाद राज्य खत्म हो गए तो धनराज की जमींदारी भी खत्म हो गई। पर अब भी ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ उनके पास था। पंडित धनराज के एक पुत्र और एक पुत्री, बस 2 ही संतानें थी। पुत्र का नाम गौरीलाल और पुत्री का नाम कुसुम था। दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत ही होशियार थे, इसी कारण धनराज को उनकी तरफ से कोई चिंता नहीं थी। धनराज के पास आलीशान मकान था, जिसमें 10-12 कमरे थे। सभी सुख सुविधाएं थी जो जमींदारों के यहाँ होती हैं। गौरीलाल ने इसी साल इंटर की परीक्षा पास की थी और नगर पालिका में बड़े बाबू की नौकरी उसने हासिल कर ली थी। पंडित धनराज की भी यही इच्छा थी, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, घर बैठे बिठाए नौकरी मिल गई, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। कुछ दिन बाद ही गौरीलाल के रिश्ते आने शुरू हो गए। धनराज ने ये काम अपनी पत्नी को सौंप दिया था और पत्नी ही उनकी अब कन्या देखने जाती थी। पर अभी तक उनकी पसंद की कोई बहू उन्हें नहीं मिल रही थी। गौरी को रिश्तों की कमी नहीं थी। सैकड़ों रिश्ते पसंद करने के बाद एक दिन उनकी पत्नी की खोज पूरी हुई, मथुरा की लता के रूप में। लता इतनी सुंदर और संस्कारों वाली लड़की थी कि गौरीलाल ने पहली नजर में उसे पसंद कर लिया। धूमधाम के साथ गौरीलाल और लता की शादी हो गई। लता अपनी ससुराल कारौली आ गई। शादी की पहली रात, मधुरात्रि की धूमधाम की रात, गौरीलाल को नसीब नहीं हुई। सुहाग कक्ष में जाने के ऐन वक्त पर लता बीमार पड़ गई। पड़ोस की महिलाएं उसे सुहाग कक्ष में छोड़ने जा रही थी कि अचानक लता जोर जोर से कांपने लगी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और धड़ाम से नीचे गिरकर बेहोश हो गई। उसे अस्पताल में पहुंचाया गया, डॉक्टर इलाज करने लगे, पर उसकी बीमारी का पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या था। दूसरे दिन दोपहर को लता को होश आया। अपने आप को अस्पताल में देखकर लता को बड़ा अचंभा हुआ। वह कहने लगी, मुझे क्या हुआ था जो आप मुझे अस्पताल लेकर आ गए। उसने अपनी ननंद कुसुम से पूछा तो कुसुम ने बताया कि भाभी, आप बेहोश होकर गिर गई थी, हमारे तो हाथ पैर ही फूल गए थे। तब उसकी सासू माँ ने पूछा कि बहू अब कैसी है, तो वह बोली, माँ जी बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ी कमजोरी है। तो उसकी सास बोली, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है बहू, जो तू ठीक हो गई, हम तो घबरा गए थे। कल शाम से घर के किसी प्राणी ने पानी भी नहीं पिया है। अब मैं घर चलूं, खाना भी बनाना है और तुम्हारे ससुर जी को भी बताना है कि बहू की तबीयत में सुधार है, उन्हें भी चिंता हो रही होगी। ये कहकर वह कुसुम को लेकर घर चली गई। अब जब वह अपने घर गई, तो एकांत पाकर जो गौरी अपनी पत्नी के पास आया और उससे पूछा कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है लता, तो लता बोली, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, समझ में नहीं आता कि मुझे हुआ क्या था, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लता ने भी लजाते हुए कहा। तो गौरी ने पूछा, कुछ खाने को मन कर रहा है तो लेकर आऊं, तो लता बोली, नहीं जी मेरा मन नहीं है, हाँ अगर अच्छा सा सेब मिल जाए तो ले आना। गौरीलाल ने अस्पताल से बाहर जाकर सबसे पहले चाय पी, फिर बाहर खड़े ठेले वालों के पास सेब लेने पहुंचा। अभी सेब का मौसम नहीं था, इसलिए बाजार में सेब भी अच्छा नहीं आ रहा था।
गौरी ने 2-3 ठेले वालों पर माल देखा, फिर आधा किलो सेब देखकर खरीद कर लता के पास पहुंचा। लता आंखें बंद करके लेटी हुई थी। उसके सिराने की तरफ पलंग पर 2 बढ़िया किस्म के सेब रखे हुए थे। वह सोचने लगा कि यह सेब कौन दे गया लता को, बिल्कुल ताजे सेब है, मुझे तो ऐसा सेब पूरे बाजार में नहीं मिला। फिर गौरी लाल ने लता से पूछा तो लता बोली, मुझे पता नहीं, मैंने किसी को सेब रखते हुए भी नहीं देखा। लता ने सेबों को बड़े आश्चर्य से देखा तो गौरी को भी आश्चर्य हुआ। उसने इधर उधर वार्ड में जाकर देखा, कोई परिचित व्यक्ति भी नहीं मिला जो सेब रख गया हो। खैर जो भी हो, सेब बड़े स्वादिष्ट थे। शाम को पथ्य में दूध और दलिया लेकर कुसुम अस्पताल गई तो उसने देखा एक प्लेट में दलिया और एक बड़ा गिलास दूध लता के बेड के सिराने रखा हुआ है। तो कुसुम पूछने लगी, क्या ये दूध और दलिया भैया बाजार से लाए भाभी? इतनी जल्दी थोड़े ही मची थी, मैं ये सब लेकर तो आ रही थी। कुसुम ने फिर अपने भैया से भी पूछा, भैया यह क्या? मैं घर से दलिया और दूध बनाकर तो लाई हूँ, तो ये कैसा है बाजार का, और पता नहीं कैसा दूध होगा और कैसा दलिया बना होगा। मैं तो यहाँ से जो घर से इतना अच्छा बनाकर लाई हूँ। तब गौरी अपनी बहन से कहने लगा, नहीं कुसुम, मैं तो कहीं बाजार में नहीं गया। और कहते हुए गौरी की नज़र पलंग पर रखे दूध और दलिया पर पड़ी। वो सोचने लगा, अरे इसे कौन रख कर गया है? उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैं तो इसी बेड पर बैठा हूँ और सामान ना जाने कौन रख जाता है। इसके बाद उसने सेब के बारे में भी बताया तो कुसुम कहने लगी, कोई तुम्हारा परम मित्र होगा जो भाभी का इतना ख्याल रख रहा है। कुसुम ने कहा, और दूसरे दिन सुबह लता अस्पताल से छुट्टी होकर घर आ गई। अब वह पूरी तरह ठीक हो गई थी। शाम के समय गौरी लता के कमरे में गया तो लता ने मुस्कुराते हुए गौरी का स्वागत किया। गौरी पलंग पर जाकर बैठ गया, थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने लगा। बाद में जैसे ही गौरी लाल ने लता का हाथ पकड़ा तो उसे बड़ी जोर का एक झटका लगा, उसके पूरे शरीर में बिजली का सा कट दौड़ गया। गौरी ने घबराकर लता की ओर देखा, लता की लाल लाल आँखें और चेहरा भयानक हो गया था, उसके मुंह से अलूल जुलूल शब्द निकल रहे थे। गौरी भागकर कमरे से बाहर निकल आया और अपनी माँ को सारी बातें बताई। उसकी माँ अपनी बेटी कुसुम को लेकर कमरे के अंदर गई तो देखा लता अपने बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी। लता की बीमारी की खबर का तार उसके मायके वालों को भी दे दिया गया था। दूसरे ही दिन लता के माँ बाप आ गए और दोनों पक्षों ने विचार विमर्श किया तो लता की माँ ने कहा, लता को अब तक ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई थी, यहाँ आते ही पता नहीं क्या हुआ है। और मिस्टर वर्मा जो इंग्लैंड से डॉक्टर बनकर लौटे थे उनको भी दिखाया है, पर बीमारी उनकी पकड़ में नहीं आ रही है, लता की सास ने कहा। 12 घंटे बाद लता फिर बिल्कुल ठीक हो गई। शाम को लता और कुसुम बातें कर रही थी और कुसुम कहने लगी, भाभी आज तो गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है, आप भी खाओगी ना? मैं भैया से कहकर बाजार से मंगा दूंगी। कुसुम ने जो मजाक किया तो लता कुछ कहना चाहती थी कि दोनों ने देखा एक थाल कमरे में घूमता हुआ बीच में रखी टेबल पर आ गया और उसमें बहुत ही अच्छे किस्म के 6-7 गुलाब जामुन रखे थे। दोनों ननंद भाभी डरकर बाहर की ओर भागी। क्या हुआ, क्या हुआ? गौरी लाल कमरे की ओर आया तो कुसुम ने गुलाब जामुन से भरे थाल की ओर इशारा किया। उसके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। कौन लाया इन गुलाब जामुनों को? गौरी ने कुसुम से पूछा तो शोर सुनकर लता के माँ बाप और गौरी की माँ भी
बाहर निकल आई। कुसुम ने गुलाब जामुन वाली बात सबको बता दी। सब दूसरे कमरे में आकर सलाह करने लगे। तो जो लता की माँ थी वह कहने लगी, बहन जी मुझे तो ये किसी भूत या जिन की करतूत मालूम होती है। लता की माँ ने भी अपना विचार रख दिया। तब गौरी की माँ कहने लगी कि देखो समदिन जी, आज तक तो इस घर में भूत जिन हमने नहीं देखा। तब तक पंडित धनराज भी आ गए थे और दोनों समदिनों की बात उन्होंने सुन ली थी। वे बोले कि कोई भूत जिन नहीं होते, सब मन का वहम है, मैं नहीं मानता। हाँ, अगर भूत मेरे लिए रबड़ी का दोना मंगा दे तो मैं भी मान जाऊंगा। अब पंडित धनजिया की बात पर सब लोग हंसने लगे। धनराज जी ने कुछ मजाकिया लहजे में कही थी, किंतु थोड़ी देर में ही इस हंसी मजाक पर रोक लग गई। सभी ने देखा, खुले दरवाजे से रबड़ी के 5-6 दोना हवा में उड़ते हुए कमरे के अंदर आ गए और चारों ओर घूमकर टेबल के ऊपर धर गए। कमरे में मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। महिलाओं की तो मारे डर के घिघी बंद गई। सभी लोग कमरे के बाहर निकल आए। सभी परिवार वाले जान चुके थे कि इस घर में किसी बुरी आत्मा का साया है, लेकिन अभी तक उस बुरी आत्मा ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। ये भी सब जान गए थे, लता भी बीमार तभी होती थी जब गौरी लाल उसके कमरे में जाता था, इसलिए गौरी लाल ने उसके कमरे में जाना छोड़ दिया। धनराज ने अपने मित्रों से सलाह लेकर कानपुर के एक प्रसिद्ध ओझा को बुलवाया और उस ओझा ने आते ही धनराज के पूरे मकान का निरीक्षण किया और कहा कि उनके घर पर एक जिन का साया है और वह उस जिन को अवश्य ही भगा देगा, लेकिन दक्षिणा उसे मोटी देनी होगी। धनराज ने कहा कि वह इस आफत से हमें बचा ले, हम उसे मुंह मांगी दक्षिणा दे देंगे। अब ऊपर की मंजिल पर उसे एकदम अलग कमरे में ठहरने को दे दिया। आधी रात का समय हुआ था। अपने कमरे में गौरी मीठी नींद सो रहा था कि उसे सर्दी लगने लगी। उसने खड़े होकर पंखा बंद किया, फिर सोने लगा। अभी आंख भी नहीं लग पाई थी कि पंखा फिर चलने लगा। उसने सोचा शायद कुसुम चला गई होगी। वो फिर से पंखा बंद करने जा रहा था कि लाइट चली गई। वो खाट पर लेट गया, तभी उसकी निगाह छत की तरफ गई। पंखा अभी भी तेज गति से चल रहा था। वो पंखा की ओर देखता रहा। लाइट गए हुए 20 मिनट हो गए थे पर पंखा अभी भी तेज गति से चल रहा था। अचानक गौरी लाल की खाट जमीन से 5 फुट ऊंची उड़ी और कमरे के अंदर ही गोल गोल घूमने लगी। गौरी के मुंह से भय के कारण जोरदार चीख निकली तो वह खाट से कूद गया और कमरा खोलकर तेजी से अपने पिताजी के कमरे की तरफ भागा। गौरी की चीख सुनकर पूरा परिवार जाग गया। सभी नींद से जागकर बैठ गए और अपने अपने कमरों से बाहर निकल आए। अब वह ओझा भी कुछ मंत्र पढ़ते हुए मकान के चौक में आ गया था। अचानक ही बादल कड़कने की आवाज सुनाई दी और पानी के स्थान पर खून के छींटे पड़ने लगे। सब भीतर जाओ, ओझा ने कहा और स्वयं बरामदे में बैठकर मंत्र जाप करने लगा। खून की बरसात के छींटे अब भी पड़ रहे थे। सभी परिवार वाले एक जगह इकट्ठा होकर भयभीत निगाहों से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मकान, चौक में, छत पर, बरामदे में, चारों तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था। तभी बहन जी, लता की माँ ने गौरी से कहा, लता कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? तो गौरी की माँ कहने लगी, शायद अपने कमरे में गई है। गौरी से कहने लगी, जा बेटा जरा देखना तो। तब थोड़ी देर बाद ही गौरी घबराया हुआ आया और बोला, माँ लता अपने कमरे में नहीं है, मैंने उसे रसोई घर, हॉल, ड्राइंग रूम, पूजा घर, सब जगह ढूंढ लिया पर पता नहीं
लता कहाँ चली गई है? अब तक खून की बरसात भी बंद हो चुकी थी। सभी लोग लता को ढूंढने लगे। हवेली का मेन दरवाजा अंदर से बंद था, कुंडी लगी हुई थी, इससे ये तो निश्चित हो गया था, लता हवेली के अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं निकली है, पर है कहाँ? हवेली में 17-18 कमरे थे, ओझा सहित परिवार के सभी सदस्य लता को ढूंढने में लग गए। कई कमरे तो वर्षों से बंद पड़े थे, उनमें अभी भी ताले ज्यों के त्यों लटक रहे थे। सब जगह देखा, लता कहीं भी नहीं मिली। ऊपर छत पर भी एक कमरा था, जिसमें विशेष मेहमानों को ठहराया जाता था। सब लोग दौड़कर छत पर गए, वो कमरा खुला हुआ था। लता पलंग पर चित लेटी हुई थी, उसके शरीर के कपड़े अस्त व्यस्त हुए पड़े थे और उसकी दोनों आंखें बंद थी और उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव नजर आ रहे थे। लता की माँ ने आगे बढ़कर लता के कपड़े ठीक किए, तब तक सभी लोग कमरे में आ चुके थे। लता की आंखें बंद थी। लता, आंखें खोलो, लता की माँ कहने लगी। लता ने आंखें खोल दी, उसकी माँ ने सहारा देकर लता को बैठाया, लेकिन लता की आंखें लाल हो रही थी। उसने परिवार के लोगों की तरफ देखकर गौरी पर निगाह टिका दी और बोली, गौरी, तू दूसरी जगह शादी कर ले। जितना धन चाहिए मुझसे ले ले, लता मेरी है। लता के मुंह से टूटे फूटे शब्द निकल रहे थे। सभी महिलाएं डरकर एक कोने में खड़ी हो गई, तो धनराज जी पूछने लगे कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो? क्यों मेरे पुत्र वधू को परेशान कर रहे हो? तब तक ओझा भी कमरे में दाखिल हो चुका था। उसे देखकर लता ने जोर जोर से गुर्राना शुरू कर दिया। उसके सिर के बाल बिल्कुल बिखर गए और गोल गोल वो सिर को घुमाने लगी। ओझा ने खड़े खड़े ही कुछ मंत्र पढ़े और लता की ओर मुंह करके पूछा, तुम जो भी हो मुझे सही जवाब दोगे तो फायदे में रहोगे, वरना। ओझा ने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया था, तो वो बोला, पूछो, क्या पूछते हो? ओझा बोला, तुम कौन हो? तो वो बोला, मैं जिन हूँ। और ओझा ने पूछा, तुम क्यों आए हो? तो वो कहने लगा, लता पर मेरा दिल आ गया, इसलिए आया हूँ। तो वो कहने लगा, ओझा, लेकिन लता गौरी की विवाहिता पत्नी है, तुम्हें उसे छोड़ना होगा। जिन बोला, हरगिज नहीं, गौरी दूसरी शादी कर ले, जितना धन चाहिए मुझसे ले ले। तो ओझा कहने लगा, तुम जिन नहीं मलेच्छ हो, मैं तुम्हें इसका दंड दूंगा। तो लता भयंकर हंसी हंसने लगी। इसके बाद लता ने अपना सिर पकड़ लिया और बेहोश हो गई। सभी घर वाले चिंतित थे, लता कितनी सुशील और समझदार बहू है, पर पता नहीं क्या विधि का चक्कर है, किसमें वो फंस गई है। इस बीमारी से कैसे छुटकारा मिल सकता है, ये सब सलाह मशवरा करने लगे और सब ड्राइंग रूम में इकट्ठा हो गए। लता पर एक बुरे जिन का साया है, ओझा कहने लगा, और जिन को भगाना हर किसी के लिए आसान नहीं है। ये तो गनीमत है कि धनराज ने उस ओझा को बुला लिया, वरना और दूसरा ओझा या तांत्रिक के बस की यह बात नहीं थी। वो कुछ ही दिनों में जिन को लता पर से हटा देंगे। इसके बाद उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि लता को किसी भी सूरत में अकेला नहीं छोड़ा जाए, लता के पास हमेशा कोई ना कोई बना रहना चाहिए, और यह जिम्मेदारी गौरी को दे दी गई। सोते जागते हर घड़ी गौरी साये की तरह लता के पास रहने लगा। घर की औरतें तो जिनके भय से लता से एकांत में मिलने से भी घबराने लगी। 2 दिन तक कोई घटना नहीं हुई, लेकिन 3रे दिन लता बाथरूम में थी और गौरी कुछ ही दूरी पर कुर्सी डालकर अखबार पढ़ रहा था कि उसे एक व्यक्ति बाथरूम की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। सफेद रंग के शानदार कपड़े पहने,
वो पुराने जमाने के राजा महाराजा जैसा दिख रहा था, तो गौरी ने उसे टोका, हेलो किससे मिलना है? तो उसने साफ सपाट स्वर में कहा, लता से मिलना है। गौरी ने कहा, अभी वो बाथरूम में है, आप कौन हैं और लता को कैसे जानते हैं? तो वो कहने लगा, तुम्हारे लिए इतना ही जान लेना काफी है, लता से मुद्दत से, जो वो मेरी प्रेमिका है और वो मुझे बाथरूम में भी मिल सकती है। ये कहकर वो आदमी बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। गौरी बोला, बदतमीज, तुझे बोलने की भी सभ्यता नहीं है, जानते नहीं हो, लता मेरी विवाहिता पत्नी है। गेट आउट, मेरे घर से दफा हो जाओ, वरना धक्का देकर बाहर निकाल दूंगा। गौरी ने उसे फटकार लगाई, तो वह व्यक्ति भयानक हंसी हंसता हुआ बोला, अगर विवाह करने से ही कोई किसी की पत्नी बन सकती है, तो मैं भी लता के साथ शादी करूंगा। 8 दिन बाद दिवाली है, उस दिन मैं बारात लेकर आऊंगा, ध्यान रखना। ये कहकर वह आदमी लता के बाथरूम तक पहुंच गया, और जैसे ही उसने किबाड़ के ऊपर अपना हाथ रखा, दरवाजा अपने आप खुल गया। उसने भीतर घुसकर किवाड़ बंद कर लिया। गौरी ने चिल्लाकर उसे रोकना चाहा, पर उसने गौरी की कोई बात नहीं सुनी। गौरी की चीख सुनकर धनराज बाहर आए और पूछने लगे, क्या हुआ गौरी? तो वह बोला, पिताजी, वह आदमी लता के बाथरूम में घुस गया। गौरी हकला रहा था, तो धनराज जी पूछने लगे, कौन? और यह कहते हुए बाथरूम की तरफ बढ़े। तब तक घर के अन्य सदस्य भी बाहर निकल आए और धनराज के पीछे पीछे बाथरूम की तरफ बढ़ने लगे। गौरी की माँ ने आगे बढ़कर बाथरूम का दरवाजा खटखटाया, तो किवाड़ खुल गया। सबने देखा, लता बाथरूम में बेहोश होकर पड़ी है। उस आदमी का, जो गौरी के सामने ही बाथरूम में घुसा था, कहीं अता पता नहीं था। तब तक ओझा भी अपने कमरे से बाहर निकल आया था। धनराज ने उसे सारी स्थिति से अवगत कराया, तो वो आदमी दिवाली के दिन बारात लेकर आने की धमकी देकर गया है। ये भी गौरी ने उस ओझा को बता दिया। ओझा ने 2 मिनट रुककर कहा, यह कोई शक्तिशाली और बदमिजाज जिन है, इसके लिए मुझे आज ही एक विशेष प्रकार का अनुष्ठान करना पड़ेगा। यदि इस अनुष्ठान से भी शांत नहीं होता है, तो फिर आपको ओमनाथ तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा, जो उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास रहता है। उसे कोई भी बुरी शक्ति हरा नहीं सकती। दीपावली के 8 दिन शेष हैं, तब तक विशेष सावधानी बरतें। लता को अकेली ना छोड़े। अब आप सब अपने अपने कामों पर जाओ और मैं भी कुछ पूजा पाठ करने जा रहा हूँ। सवेर को कुछ लोग धनराज जी से मिलने आए, जो उन्हीं के गांव के थे और धनराज को ही जमींदार मानते थे। गांव में भी यह खबर पहुंच गई थी कि कोई बुरी आत्मा जमींदार साहब को परेशान कर रही है, और वे लोग हालचाल पूछने चले आए थे। धनराज ने सभी को कुर्सी डालकर चौक में बिठाया और उनको नाश्ता पानी कराया। नाश्ता करने के बाद सभी लोग उस दिन के बारे में चर्चा करने लगे। एक गांव वाला कहने लगा कि बाबूजी, आप सीधे साधे हो, इसलिए वो जिन आपको परेशान कर रहा है। अगर मुझे मिल जाए तो मैं तो उसे मजा चखा दूं। उसके बाद दूसरा ग्रामीण बोला, बाबूजी, आप कोई चिंता मत करिए, हम सब संभाल लेंगे। ये कहकर उस आदमी ने अपना तंबाकू का बटुआ निकाला, और जैसे ही उसने बटुए को खोलकर देखा, उसमें से तीव्र गंध फैलने लगी। बटुए में मानव की लीद रखी हुई थी। उसने बटुओं को लेकर नाली में फेंक दिया। उसके बाद उसके दूसरे साथी से तंबाकू मांगी। दूसरे ने भी बटुआ निकाला, तो उसे खोलकर देखा, तो उसमें भी लीद रखी हुई थी। ग्रामीणों के चेहरे सफेद पड़ गए। अब तो सभी अपनी अपनी जेब टटोल कर देखने लगे, किसी की जेब में, किसी के बटुए में, किसी के बीड़ी के मंडल में मानव का मल रखा हुआ था।
वातावरण में तेज दुर्गंध फैलने लगी। सभी लोग जो बैठे हुए बातें कर रहे थे भयभीत होकर कांपने लगे। सभी ग्रामीण बहाने बना बनाकर बाहर की ओर खिसकने लगे। अचानक एक तेज आवाज ने सभी को चौंका दिया। छोड़ो मुझको, छोड़ दो, अरे बचाओ, कोई तो बचाओ, यह मुझे मार देगा, मेरी जान ले लेगा। निश्चित रूप से यह आवाज उस ओझा की थी। वो ओझा चिल्ला रहा था, छोड़ो मुझे, छोड़ दो, मेरी सांस घुट रही है, अरे बचाओ, कोई मेरी जान बचाओ, यह मेरी जान लेना चाहता है, मैं जा रहा हूँ, फिर नहीं आऊँगा, मुझे छोड़ दो। ओझा की आवाज सुनकर परिवार के सभी सदस्य भागकर बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे ओझा की गर्दन पकड़कर दबा रहा था और वो बहुत ही भयानक हंसी हंसते हुए कहने लगा, बारात लेकर आऊंगा लता को ब्याने के लिए, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। ये कहकर उसने ओझा को दोनों हाथों से ऊपर उठाया और गेंद की तरह चौक में फेंक दिया। धनराज दौड़कर ओझा के पास पहुंचा। ओझा जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था, उसकी हड्डियों में भारी दर्द हो रहा था। धनराज ने एक तांगा मंगवाया, उसमें बैठाकर गौरी उसे अस्पताल ले गया। इधर वह जिन भी ना जाने कहां गायब हो गया। सभी लोग धनराज के पीछे पीछे ड्राइंग रूम में आ गए और आज की हालात पर विचार करने लगे। आज की घटना ने सभी को चिंता में डाल दिया था। बाबा ओमदास को बुलवाया, उन्होंने कल आने का वादा किया। धनराज ने अपने घर वालों को सूचना दी। उसका पता कहां से प्राप्त हुआ, गौरी की मां ने पूछा तो वह कहने लगा, कल ही ओझा से लिया था और बाबा ओमदास को टेलीग्राम कल ही दे दिया था। बाबा ने कल आने का वादा किया है, भगवान इस आफत से छुटकारा दिलाए। लता की माँ भी हाथ जोड़कर चिंतित होते हुए कहने लगी, पता नहीं बाबा कब आए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लता के पिताजी ने भी कहा, आप चिंता ना करें समधी जी, धनराज जी कहने लगे, ईश्वर ने चाहा तो जल्दी उस जिन से मुक्ति मिल जाएगी। आज दीपावली का दिन था, पूरे शहर में पटाखे चलाए जा रहे थे। शहर दुल्हन की तरह सज रहा था, दुकानों पर भीड़ मची हुई थी, लोगों में जबरदस्त उत्साह था, पर पंडित धनराज के घर में कोई भी त्योहार की रौनक नहीं थी। सभी के चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। आज क्या घटना घटेगी पता नहीं, आज तो किसी ने खाना भी नहीं खाया। सभी व्याकुल और डरे हुए थे, ऐसी हालत में भला कौन खाना खाए। जैसे तैसे करके दोपहर हो गई, अभी तक कोई अप्रिय घटना नहीं घटी थी। सभी लोग लता के कमरे में लता के पास बैठे हुए थे और तांत्रिक बाबा ओमदास की राह देख रहे थे। घर में जरा सा खटका होता, सभी के दिल धड़क उठते। गौरी जाकर देखता और कुछ नहीं मिलने पर वापस कमरे में आ जाता। शाम के 5 बज चुके थे, पूरा शहर रोशनी में नहाया हुआ था, पर अभी तक बाबा ओमदास का कहीं पता नहीं था। गौरी उठकर लाइट जलाने बाहर निकला तो अचानक धनराज के कमरे पर बाजे बजने की आवाज सुनाई देने लगी, मानो उनके दरवाजे पर कोई बैंड बजा रहा हो। लता को छोड़कर सभी लोग कमरे से बाहर निकल आए। लता कमरे में ही थी। धनराज ने किवाड़ बंद करके ताला लगा दिया और दरवाजे की ओर भागे। अचानक उनका पूरा मकान रोशनी में चमक उठा। ये कैसे हो गया, उनके मकान में तो इतनी लाइट भी नहीं लगा रखी थी। सैकड़ों व्यक्तियों जैसा कोलाहल होने लगा, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। भड़ाक से मुख्य दरवाजा खुला, जैसे सैकड़ों लोगों ने मकान में प्रवेश किया और उनके जो पदचाप साफ सुनाई दे रहे थे, बारात का बाजा भी मकान के अंदर बजने लगा। मुख्य द्वार का दरवाजा भी बंद हो गया था। अचानक लाइट चली गई,
मकान में अंधेरा हो गया, फिर जल्दी ही मध्यम प्रकाश में ना जाने कहां से आकर धीरे धीरे घर में फैल गया। चौक में सैकड़ों नर मुंड दिखाई पड़ने लगे। विभिन्न प्रकार की डरावनी आकृतियां, जिनके हाथों में हड्डियों के टुकड़े, मांस और अन्य खाद्य वस्तुएं थी, कोई प्याला भरकर खून पी रहा था, कोई हड्डी भबोड़ रहा था। बड़ा ही डरावना दृश्य था। घर की महिलाएं डर से बेहोश हो गई। लता के पिताजी भी बेहोश होकर जमीन पर पड़े थे। अकेले धनराज होश में थे, पर वो भी डर से थरथर कांपते हुए एक कोने में खड़े थे। गौरी का कहीं अता पता नहीं था कि वह कहाँ है। तभी वहाँ एक आकृति प्रकट हुई, जिसने दूल्हा का लिबास पहन रखा था। उसके हाथों में बरमाला थी। अचानक लता के कमरे का ताला अपने आप खुलकर जमीन पर गिर पड़ा। साल खुली, किवाड़ खुल गए और 16 श्रृंगार करके लता बाहर निकल आई। वह भी दुल्हनन के भेस में थी। उसके हाथों में भी बरमाला थी। वह धीरे धीरे दूल्हा की तरफ बढ़ने लगी। दूल्हा के रूप में जिन ने भयंकर अटाहास किया, देखा, कहने लगा, धनराज, तेरी आँखों के आगे लता वरमाला डालेगी। अगर रोक सकता है तो रोक ले। आज के बाद वह मेरी पत्नी होगी। धनराज कुछ नहीं कह सका, कुछ नहीं कर सका। लता धीरे धीरे चलती हुई जिनकी तरफ बढ़ी, एन सामने पहुंचकर उसने अपने दोनों हाथों में पकड़ी हुई माला जिनके गले में डालनी चाही। तभी मुख्य द्वार का दरवाजा खुला और एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने आदेश दिया हो, ठहरो। धनराज ने भी उधर देखा तो एक भव्य मूर्ति सन्यासी सामने खड़ा था। ये बाबा ओमदास थे। उसकी आवाज सुनते ही लता ने अपने हाथ नीचे कर दिए। धनराज, मुख्य द्वार बंद करके ताला लगा दो, उस सन्यासी बाबा ने कहा। धनराज ने तुरंत ही आदेश का पालन किया। बाबा ओमदास ने अपने हाथ में पकड़ा चक्र दंड घुमाया और कोई मंत्र पढ़ा। सभी उपस्थित भूत जिन्नों में भगदड़ मच गई। सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। धनराज, जो ओमदास बाबा ने आदेश दिया, एक बोतल लेकर आओ। धनराज ने अंदर से खाली बोतल लेकर बाबा को दे दी। बाबा ने बोतल का ढक्कन खोलकर कोई मंत्र पढ़ा। तभी दूल्हा बने जिनकी आकृति लुप्त हो गई और एक पतली सी रोशनी प्रकट हुई, जो धीरे धीरे बोतल के अंदर समा गई और वह कहने लगा, मैं बारात में शामिल होने वाले भूतों जिन्नों से कुछ नहीं कहूँगा। बाबा ओमदास ने हंस कर कहा, तुम्हें दावत खाने का लालच यहाँ लेकर आया है। खैर, आगे के लिए खबरदार करता हूँ, कोई भी भूत जिन अगर इस शहर के पास भी दिखाई दिया तो ये दुर्दशा उसकी होगी। और उसने बोतल में बंद जिन को दिखाया। अब भागो यहाँ से। बाबा ने जैसे ही हुक्म दिया, धनराज ने दरवाजा खोला तो सैकड़ों भूत जिन एक दूसरे पर गिरते पड़ते बाहर की तरफ भागे। एकाएक माहौल बदल गया। घर के सभी लोग होश में आ गए और आश्चर्यचकित होकर बाबा की ओर देखने लगे। ये बाबा ओमदास है, इनकी कृपा से ही हम संकट से मुक्त हो गए हैं। धनराज ने अपने परिवार से बाबा ओमदास का परिचय कराया। सभी ने आकर बाबा के पैर छुए। बाबा ने कहना शुरू किया, ये जिन बड़ा शक्तिशाली था, वो तो मैं समय पर पहुंच गया, वरना अनर्थ हो जाता। पर अब किसी प्रकार की चिंता नहीं है। मैंने इस जिन को बोतल में बंद कर दिया है। इसे लेकर महाकाल की सेवा में उपस्थित करूंगा। इसके बाद धनराज ने बाबा से अपने यहाँ रुकने का अनुग्रह किया। बाबा ने इसे स्वीकार नहीं किया। धनराज ने बाबा ओमदास को दक्षिणा देकर विदा किया। सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई। गौरी नहीं दिखाई दे रहा था। लता की माँ ने कहा तो वह कहने लगा, रेहा, गौरी कहाँ है? ये कहकर वह सब लोग उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल आए। सभी लोग उनके पीछे पीछे चल दिए।
गौरी बाहर के बरामदे में छत से लगी कुंडी में बेहोशी अवस्था में उल्टा लटका हुआ था। रस्सी के स्थान पर उसके हाथ पीछे करके गांठ लगाई हुई थी। आनन फानन में सीढ़ी लगाकर गौरी को नीचे उतारा गया। उसकी सांसें बहुत धीमी धीमी चल रही थी। गौरी को अस्पताल ले जाया गया, जहां हफ्ता भर में गौरी ठीक हो पाया। बाद में गौरी की नगरपालिका में बड़े बाबू की नौकरी लग गई और उसके और लता के दो बच्चे भी हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।